हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके आ गई हूँ लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे सस्ती मार्केट में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ आए हैं और हम लोग कहाँ आपको लेके जा रहे हैं। आज हम आ गए हैं बुद्ध बाज़ार, जो कि ये वेनसडे को यहाँ पे लगता है, वीकली मार्केट लगता है बुद्ध बाज़ार का। लखनऊ में है तो बुद्ध बाज़ार तो सबने ही सुना होगा। अच्छा, आने का लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन पर उतरना है, जो पास में रेलवे स्टेशन भी है। उसके बाद अगर आप ऑटो से या फिर अपने कन्वेंस से आते हैं तो आपको निषादगंज चौराहे पे आना है, और वहाँ से आप यहाँ पे पूरी मार्केट लगी रहती है। ऑल दो हमने सोचा कि हम थोड़ा जल्दी निकलते हैं, हम 12:30 बजे पहुँचे और इधर की मार्केट अभी लगी नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो मार्केट ज़्यादा जल्दी नहीं जाना है, क्योंकि धूप हो गई है, काफ़ी गर्मी है। तो इस टाइम ये लोग 12 बजे से पहले कुछ भी नहीं लगा होता है, तो 12:30 के बाद ही आप मार्केट में जाइए अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। अभी मैं बादशाह नगर साइड से आई हूँ। ये देखिए, एक भैया ये सेल कर रहे थे, 250-250 रुपये में सेल कर रहे थे। इवन यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, तो आप बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे ब्यूटीफुल मैचिंग्स के फुटवेयर्स मिल रहे थे यहाँ पे, 250-250 में थे ये। तो अगर आपको इस तरह से लेना है तो ले सकते हैं, बाकी बार्गेनिंग होती है, जो भी आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है वो आप करा सकते हैं। अगर आप इस तरह के मार्केट में बार्गेनिंग नहीं कराते हैं तो फिर वो आपको मतलब एक तरह से ठग जाएंगे, इसलिए आपको बार्गेनिंग करानी है। गर्मी है, प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह भी काफ़ी मिल रही थी। अभी हम 20 से आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको लौटते समय सारा मार्केट कवर कराएंगे, क्योंकि अभी ये लगा नहीं है तो फिर उसे ठीक से हम दिखाएंगे। अब हम यहाँ से आपका लारा ब्यूटी पार्लर वाले जो है उनके अपोजिट में यहाँ पे कपड़े की मार्केट लगती है, जो कि जो भी लड़कियाँ डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखती हैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग में, उनके लिए मार्केट बेस्ट है। यहाँ से आप अपना अच्छा स्टफ़ ले सकती हैं और यहाँ से आप किसी भी तरह का कुछ भी डिज़ाइन करा सकती हैं, लाइक लहंगा हो गया, दुपट्टे हो गए, हर तरह की चीज़ आप यहाँ पे डिज़ाइन कराती है। देखिए शुरुआत यहाँ पे कर्टेंस वगैरह की शॉप से हो रही है। कर्टेंस आपको यहाँ पे 150 से लेकर 250-300 तक काफ़ी अच्छी रेंज में यहाँ पे कर्टेंस मिल जाएंगे। कर्टेंस का मेन रेट यही है, 150, 200, 250, 300 यही रेट है पर कर्टेन। तो इस तरह से आप ले सकते हो। यहाँ पे ये दुपट्टे वगैरह दे रहे थे, 80-80 में दुपट्टे दे रहे थे, 100-100 में दे रहे थे, तो यहाँ पे आप मैचिंग वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे पूरा सिर्फ कपड़े का ही है, हर तरह के कपड़े हैं, मतलब किसी भी तरह का लेके आप डिज़ाइन करा सकते हो। लहंगा है, गाउन है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिज़ाइन करा सकते हो, और रेडीमेड तो मिलता ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कुर्ते, कुछ चिकनकारी कुर्ती ये लोग दे रहे थे, 250-300 की रेंज में लोग चिकनकारी कुर्ते दे रहे थे। गर्ल्स का भी अच्छा था और बॉयज़ का भी यहाँ पे चिकन के कुर्तेज़ मिल रहे थे। ये देखिए लैस मिल रही है, जो कि चिकन वाली जो लैस होती है ना, वो लैस यहाँ पे मिल रही है। अपने अगर आप स्टफ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे गर्मी आ गई है तो यहाँ पे ये दुपट्टे स्टॉल वगैरह भी काफ़ी मिल रहे हैं, ओनली 80 से लेकर 120 की रेंज में यहाँ पे ये दे रहे थे। ये जो मैंने पूछा ये ओनली 100 के थे, तो इस तरह के दुपट्टे वगैरह आप ले सकते हो, क्योंकि कॉटन में बहुत ज़रूरी होता है, गर्मी में तो दुपट्टे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये सूट के कपड़े हैं, सूट साड़ी आप कुछ भी बनवा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको स्टफ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप साड़ी भी डिज़ाइन करा सकते हो यहाँ से। तो ये देखिए लहंगे के कपड़े, स्कर्ट के कपड़े और ये सूट के कपड़े। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 मीटर लेते हैं और साड़ी बनवाने के लिए। अगर कोई आपको प्रिंट या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप 6-5 मीटर ले सकते हैं और अपनी साड़ी भी यहाँ से तैयार करा सकते हैं। देखिए इस तरह का ये ओनली 200-150 इसी रेंज में मिलता है, 100 से लेकर 300 के बीच में सारे कपड़े स्टफ। जितना क्वालिटी हाई होगी उतना थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन मेन बेसिक जो रेंज है वो यही रेंज है इसकी, कि आपको 100 रुपये से लेके 300 तक बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। बुद्ध बाज़ार आने का मेन पर्पज़ यही रहता है कि अगर आप डिज़ाइन कराते हैं कपड़े तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कॉस्ट में और प्लस वेराइटीज़ बहुत मिल सकती हैं, किसी भी तरह की मैचिंग मिल सकती है, किसी चीज़ का रह गया हो तो इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं। टॉप यहाँ पे एक भैया लगाए रहते हैं, ये 100-100 रुपये के टॉप देते हैं, तो अगर आपको टॉप वगैरह लेना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सूट यहाँ पे कॉटन के, प्योर कॉटन के सूट दे रहे थे, 450 में दे रहे थे। दुपट्टा, सूट और स्टॉल तीनों चीज़ें, दुपट्टा भी था, पजामी भी थी और वो भी था, तीनों चीज़ें थी, और ये 450-450 में दे रहे थे कॉटन के सूट थे। ये देखिए दुपट्टा इस बार कुछ डिफरेंट तरह के आए हैं, 150 के दुपट्टे दे रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये इस तरह का फेस कवर करने के लिए अपने लिए दुपट्टे ले सकती हैं अगर आपको दुपट्टे की ज़रूरत है तो। यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई एक नहीं है शॉप, हर चीज़ की शॉप बहुत सारी हैं। अगर आपको दुपट्टा ही लेना है तो दुपट्टे का सिर्फ एक नहीं मिलेगा, आपको बहुत शॉप मिल जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अस्तर वाले भैया ये बैठते हैं, हमेशा यहीं बैठते हैं, तो अगर आपको कोई भी तरह का अस्तर मैच कराना है तो आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहीं बैठते हैं। मैं काफ़ी बार आई हूँ तो यहीं पर मिलते हैं और अपना चेंज एक्सचेंज भी करा सकते हैं। रेट क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी देते हैं, तो अगर आपको अस्तर वगैरह कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी मिल रही थी आपको, बच्चों के कपड़े वगैरह, ये कपड़े के पीसेस भी ले सकते हैं। ये लोग का पूरा कट पीस होता है, अगर आप पूरा लेंगे तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, और अगर आप कटवा के लोगे तो ये लोग तो देखिए देते नहीं है, 2.5-3 मीटर से नीचे नहीं कपड़े होते हैं, तो कटवा के लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आप ले सकते हो उसको भी। इस तरह के बहुत तरह के स्टफ़ होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। देखिए ये देखिए लहंगे के कपड़े वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, है ना, तो अगर आप लहंगा वगैरह डिज़ाइन कराना चाहते हो तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। देखिए स्टफ़ वगैरह यहाँ पे, और ये नेट के, तो नेट में तो बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, नेट में तो ऐसा नहीं है कि हर कलर पर हर तरह के डिज़ाइन आपको नेट में मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हमें इस तरह की साड़ी पे, ये साड़ी सूट का कॉम्बिनेशन ये लोग बना के रखते हैं, तो साड़ी सूट भी आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे देखिए सूट का इन्होंने पूरा इस तरीके से बनाया है कि सूट और सलवार का इस तरह लगाया हुआ है, तो इस तरह से कॉटन के कपड़े और हर तरह का स्टफ़ यहाँ पे मिल जाता है, इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं। इस टाइम अभी समर्स आए हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो आप आ सकते हो और यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये सूट के कपड़े ओनली ये 450 में दे रहे थे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, 3 पीस ही बचा था इनके पास, तो बहुत सुंदर लग रहा था, तो इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हो। ये सूट ओनली 550 और 650 के रेंज में मिल रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें भी आप ले सकते हो। दुपट्टा सूट सलवार सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है, बहुत बड़ी मार्केट है ये, एक दिन में कवर करना तो पॉसिबल शायद है ही नहीं, इसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, ऑल दो मैंने जितना कोशिश हुआ है उसको दिखाया है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आगे चले तो हमें कुछ लेस वगैरह दिखाई दी, 10 रुपये पर मीटर से लेस शुरू यहाँ पे करते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये हर तरह से इस तरह से शुरू करते हैं, और काफ़ी कॉस्टली भी जाती है, तो अगर आप लहंगे वगैरह के लिए ले रहे हैं तो अपने मैचिंग के हर तरह की लेसेस वगैरह, देखिए इस चौड़ी वाली लेसेस भी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मीटर मिलती है, और पतली वाली लेसेस भी यहाँ पे मिल जाती हैं, तो इस तरह की लेसेस की अगर शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप यहाँ से आपको हर मैच में मिल जाएगा, आपको नेट पे लगाना है या आपको किसी भी तरह के किसी भी स्टफ़ पे लगाना है तो आप इसे आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए हर तरह का मिल जाता है, ये जो नीचे है वो सिर्फ 10-10 की हैं, और ये सिर्फ 20-20 रुपये मीटर, 30-30 रुपये मीटर ऐसे करके ही मिल जाता है, तो सूट साड़ी हर किसी पे भी आप इसको डिज़ाइन भी करा सकते हो, आप लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत लेस है यहाँ पे, तो ये आपको देखने से पता ही चल गया होगा कितनी प्यारी लेस लग रही है यहाँ। फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह के लहंगे भी यहाँ पे मिल रहे थे, ये 350-300 रुपये मीटर आपको ये लहंगे यहाँ पे मिल जाएंगे, इस तरह से अगर आप लहंगे डिज़ाइन कराना चाहें तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे लहंगे जो लहंगे के लिए जो स्टफ़ आता है ना वो 300 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलता है, 250-300, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग आप कर सकते हो क्योंकि आप कोई चीज़ यहाँ पे ले रहे हो तो बार्गेनिंग डेफिनेटली कीजिए। देखिए स्टफ़ वगैरह कितना अच्छा है। अच्छा अब यहाँ पे हमने को सूट देखिए, ये भी आपको 350-450-550 के रेंज में थे, तो इस तरह के सूट वगैरह भी आप ले सकते हो, अगर लेना देने के लिए भी ले सकते हो, बाकी अपने यूज़ के लिए भी ले सकते हो,
सकते हो। जो कॉटन है, गर्मियों में कॉटन का तो काफ़ी डिमांड रहती है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये सूट भी आपको ओनली 550 या 450 में मिल रहा था इस तरह से। ये जो कटवर्क वाले थे वो 650 750 750 में इस तरह के रेंज में मिल रहे थे। खूबसूरत काफ़ी थे, नो डाउट काफ़ी अच्छे सूट थे। और देखिए सिल्क में, जो चंदेरी सिल्क में है, उसमें भी कुछ सूट लगे थे सामने जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये उनका 950 850 इस तरह की रेंज में थे। तो अगर आप इस तरह के सिल्क सूट वगैरह भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। कॉटन की तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉटन तो आपको पूरे मार्केट में इस टाइम भरा मिलेगा क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे मेरे को सेल दिख रही थी 550 में, साड़ियाँ दिख रही थी। तो साड़ी वगैरह तो मैं यहाँ पे क्वालिटी नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी मिलती है, बाकी आपको अगर लगता है कि आपको पसंद आ रही है तो आप यहाँ से ले सकते हो। क्योंकि साड़ी इस रेंज में है कि साड़ी उतनी अच्छी क्वालिटी की मिलती नहीं है, चुभने वाली साड़ी होती है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हो। टॉप की आगे कुछ शॉप लगी थी, टॉप वगैरह भी मिल रहे थे, तो इस तरह से यहाँ पे टॉप वगैरह भी आप देख सकते हो। टॉप की रेंज ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, 150 250 इस तरीके से थी। तो जिस हिसाब से रेंज थी उसी हिसाब से क्वालिटी भी थी। आगे यहाँ पे कुछ साड़ी वगैरह देखिए, ये साड़ी ओनली 650 की मिल रही थी, नेट में साड़ी थी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें कुछ लेकर डिज़ाइन भी करा सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये साड़ी भी ओनली 650 और 550 की थी। ऑल दो स्टफ़ थोड़ा सा नहीं उतना अच्छा होता है, कि ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा स्टफ़ मिलता है, स्टफ़ में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे साड़ियों में करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा देखिए सेल लगी हुई थी, 250 350 की साड़ियाँ की सेल लगी हुई थी बस हम गली में। अभी हमने जो आपको पूरा मार्केट दिखाया ना, वो सिर्फ स्टफ़ वाला मार्केट दिखाया है, कि मतलब हर तरह के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं डिज़ाइनिंग कराने के लिए। स्पेशली लेस है, ब्लाउज है, रेडीमेड ब्लाउज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप कुछ भी डिज़ाइन करा सकते हो, आपको जो भी डिज़ाइन करानी है, जो डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं ना, वो उनके लिए मार्केट बेस्ट है। इससे अच्छा मार्केट कोई नहीं है, जो भी लोग डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जो रेडी टू वेयर देखना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और बाकी आप अगर आपको स्टॉफ अगर अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हो। इसके बाद हम इस मार्केट के बाद हम आगे हम थोड़ा सा जब निकले तो यहाँ पे देखिए सूट कॉटन के, मैंने कहा ना कॉटन छाया हुआ है इस टाइम, हर जगह कॉटन का सूट सलवार का पेयर मिल रहा है। दुपट्टा आप अलग से लगवा सकते हो और आप इसको अपने सूट को तैयार करा सकते हो। इस तरह के देखिए प्रिंट बहुत प्यारे आए हैं, बहुत खूबसूरत प्रिंट आए हुए हैं। तो प्रिंट वगैरह आपको अगर सूट लेना है तो आप यहाँ पे सूट वगैरह तो ले सकते हो, अगर इतनी दूर आए हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं। यहाँ पे ये साड़ियाँ दे रहे थे, पता नहीं 250 350 की दे रहे थे, ये कैसी होती हैं इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप में से किसी ने लिया हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा। बर्तन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। बुद्ध बाज़ार में ऐसा है ही नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मिलती ना हो, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बर्तन वगैरह भी छोटे से लेके बड़ा यहाँ पे सब मिल जाता है। बच्चों के आइटम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और रेंट पे भी बार्गेनिंग होती है। तो बार्गेनिंग आप यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप आ रहे हो तो बार्गेनिंग तो यहाँ पे ज़रूर करिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये नॉन स्टिक के, कुछ प्लास्टिक के इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। ट्रे वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हो। फुटवेयर का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है अक्सर, मैंने जब भी देखा है। तो बस ये है कि फुटवेयर में थोड़ा सा चुभने वाला भी निकल जाता है, तो फुटवेयर अगर ये सारी चीज़ें खरीदिए तो देख के ही खरीदिए। स्पून वगैरह भी है, मतलब किचन के जो भी आइटम है यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी चीज़ लेना है, और रेट भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। दूसरा बार्गेनिंग भी हो जाती है। ट्रे वगैरह भी, प्लास्टिक के भी आइटम, क्रॉकरी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगी। मैंगो भी मिल रहा था यहाँ पे, 100 रुपये किलो आम मिल रहा था। तो आप इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हो यहाँ से, अगर खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आइए, 100 रुपये में दो पर्स दे रही थी ये जो भी बैठी थी यहाँ पे, 50-50 रुपये का एक दे रही थी। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़िए, मार्केट में आपको देखा होगा 80-80 में मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन 50 रुपये का ही मिल रहा था। तो ये भी आप चीज़ें देख सकते हो। आगे डेली वेयर्स में चप्पल, ये सारी चीज़ें भी, चूड़ा, ये देखिए ये भी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, चूड़ा वगैरह, बैंगल्स वगैरह। यहाँ पे बैंगल्स की शुरुआत 150 रुपये से होती है, फिर 550 तक जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप अपना मैच कराना कर सकते हो, करा सकते हो। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक के ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर ऐसे रखे हुए होते हैं और ये ओरिजिनल की तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो इसलिए कॉस्मेटिक मैं नहीं कहूँगी कि आप यहाँ से कॉस्मेटिक को प्रेफर करो। बाकी चीज़ें जो आपको पसंद आती हैं वन टाइम यूज़ के लिए डेफिनेटली ले सकती हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको ये जो ईयरिंग्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए ये ईयरिंग्स ओनली हर कोई एक ही बार पहनता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। कुर्तियाँ मिल रही थी 250, 350, 450 इस तरह से कुर्तियाँ मिल रही थी। तो इस तरह के चिकन की कुर्तियाँ देख सकते हो। कपड़ा आपको देखना होगा, क्योंकि कपड़ा में थोड़ा सा अंतर होता है। बच्चों के फुटवेयर की बहुत भरमार थी, बच्चों के फुटवेयर आप यहाँ से ले सकते हो। बच्चों के ही हर एज के फुटवेयर आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि फुटवेयर का कलेक्शन यहाँ पे बहुत होता है और रेट भी आपको वही 150, 200, 250, 300 ही होते हैं। रेट भी कोई ज़्यादा नहीं होते। अभी देखिए ये लोग शॉप लगा रहे हैं अपनी इस तरह से। ये जो हम इस टाइम जहाँ खड़े हैं ना, ये जो आपका गोल मार्केट है उसके चौराहे पे ये मार्केट लगा हुआ है, चौराहे वाले एरिया में है, जहाँ पे चप्पल, फुटवेयर, ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। आगे जाओगे तो ये देखिए, ये किचन का मटेरियल ओनली 10-10, 20-20 रुपये में ये लोग दे रहे थे।
ये शूज़ इस तरह के आपको 250-300 में मिल जाएंगे, लेकिन शूज़ वगैरह आप देख के ही लीजिए, क्योंकि ये शूज़ का वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो ये पैर में लगता है, तो इस तरीके से देख के ही लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप क्रॉकरी का भी सामान ले सकते हैं, किचन का भी सामान ले सकते हैं, प्लास्टिक के 10-10, 20-20 रुपए में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। बॉटल्स आपको बहुत मिल रही, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो 100-100 रुपये में यहाँ पे बॉटल्स भी आपको मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे आ गया फुटवेयर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था, हर जगह आपको फुटवेयर मिल जाएगा, जो गोल मार्केट है ना उसके आसपास, तो ये सारी चीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी। 100 रुपये में 6 बॉटल्स यहाँ पे मिल रही थी, इस तरह की बॉटल्स आपको 100 में 4 मिल रही थी। ये भैया चप्पल लगा के बैठे थे, ओनली 50-50 रुपए की चप्पल मिल रही थी। उसके आगे फिर से बर्तन हर तरह के बर्तन आपको मिल जाएंगे, आपको जैसा भी पसंद है, और बर्तन में भी बार्गेनिंग होती है, तो इसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। चलिए इस तरह से ही हम दिखाते हैं आगे हम आपको क्या दिखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए रोड साइड पे लोग सिलबट्टे वगैरह भी छोटे छोटे देखिए चक्कियाँ है, सिलबट्टे ये सब लगा के बैठे रहते हैं, इसमें भी बार्गेनिंग होती है, तो आप ये सब भी ले सकते हो। बाथरूम के सामान भी यहाँ पे मिल सकते हैं, डोरमेट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाती है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होती है। मैट है आपका, ये कप है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कांच का मटेरियल भी मिल जाता है, कांच का सामान भी मिल जाता है काफ़ी अच्छा। कांच में जो भी क्रॉकरी आपको लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है, प्लस रेट भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। फूल वगैरह ये लोग जो बीच में लगाए होते हैं यहाँ पे अच्छे आइटम्स ये लोग लगा के रखते हैं, देखिए किचन के लिए, अदरक के लिए, सब मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा ये लारा ब्यूटी पार्लर के जस्ट नीचे आए, यहाँ पे इस तरह का ये लोग स्टफ़ निकालते हैं, ये दुपट्टे दे रहे थे ये लोग, बनारसी दुपट्टे इस तरह के दुपट्टे थे, और ये 250 में दे रहे थे कि पाकिस्तानी सूट के दुपट्टे हैं, इस तरह के बोल के ये लोग दे रहे थे 250 में, तो ये भी आप दे सकते हो। आगे आते हैं स्टफ़ पे, ये फिर नॉर्मल स्टफ़ है, 1-1-2 मीटर स्टफ़ यहाँ पे आपको मिलता है 60-70 रुपये इस तरह से। और ये आपके बटन भी यहाँ पे जब डेकोरेशन करेंगे तो बटन की रिक्वायरमेंट तो आपको आएगी, तो बटन भी यहाँ पे मिल जाते हैं, 10-5, 10-6 इस तरह के बटन वगैरह भी मिल जाते हैं। ये भैया लहंगा दे रहे थे, चूँकि 2000 से इनका लहंगा शुरू था और आपका 3-4 हज़ार तक इनके पास लहंगा था, बस लहंगा ख़त्म। यहाँ पे लहंगा ये लोग दे रहे थे, देख सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ से ले सकते हैं, नॉर्मल किसी पार्टी में पहनने के लिए कोई बुरा नहीं है। इस तरह के लहंगे यहाँ पे थे। आगे हम चलेंगे तो थोड़ा सा स्टफ़ वगैरह हमको यहाँ पे काफ़ी मिला, स्टफ़ वगैरह भी हमने देखा, साड़ी वगैरह भी देखिए यहाँ पे मिल रही थी। ये जस्ट उसके जो गोल चौराहा है ना उसके नीचे ये लोग लगाते हैं, और ये चिकन का भी, चिकन की लैस, चिकन के कपड़े, इस तरह के चिकन के कपड़े मिल रहे थे कि आप अपना कोई चीज़ लेके लगा सकते हो उसमें। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे एंटिक चीज़ें भी काफ़ी मिल रही थी, तो अगर आपको डेकोरेशन का शौक़ है तो आप अपने घर के लिए एंटिक चीज़ें भी ले सकते हो। वहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत ये सारी चीज़ें मिल रही थी, डेकोरेशन के पर्पज़ से यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी थी। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और हम निकल रहे हैं जस्ट बादशाह नगर की साइड, यहाँ पे ये वन पीस काफ़ी मिल रहे थे, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी आप देख सकते हो। हम निकल रहे हैं बादशाह नगर मेट्रो की साइड से, ताकि जो इस साइड से हम आए थे उस साइड जो मार्केट लगी नहीं थी उसी साइड से हम वापस निकल रहे हैं। देखिए वन पीस कितने प्यारे लग रहे हैं, तो वन पीस भी आप यहाँ से ले सकते हो, 250 से लेके 350-450 इस तरह की रेंज में यहाँ पे वन पीस वगैरह अवेलेबल थे। ठेले पे ये लोग लगाए रहते हैं इस तरह की शर्ट वगैरह, ऑल्दो मैं इनका स्टफ़ के लिए प्रमोट नहीं करूँगी, इतना अच्छा स्टफ़ नहीं होता है, रमज़ान चल रहे हैं, तो ये देखिए खजूर भी काफ़ी मिल रहे थे यहाँ पे, और कम रेट में मिल रहे थे, अच्छे मिल रहे थे, फ्रेश मिल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, और रमजान में हो तो आप इसको ले सकते हो। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जल्दी से मैं आपको अलग मार्केट की भी वीडियोज़ ला सकूँ और आपको दिखा सकूँ। और आप मुझे बताइएगा भी कि आपको कहाँ का मार्केट का देखना है, तो मैं उस तरह का आपको वीडियो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए बनाऊँ। अब हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पर सीनरी, वॉच, ये सारी चीज़ें भी देखिए मिल रही हैं। बच्चों के कपड़े ये 150 में मिल रहे थे, 100-150 में, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से निकले क्रॉक, ये किचन के चिप्स वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे मिल रहे थे 10-10 रुपए में। ये आइटम भी बहुत सारे मिल जाते हैं। हम यहाँ पे देखिए कर्टेंस वगैरह इस तरह से, बस यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, अब हम जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं। और ये लोग बाहर लगाए होते हैं, यहाँ पे कर्टेंस हैं आपके, और पर्दे हैं, चादर है, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, कुशन वगैरह, बेड, सोफे के कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और इसमें बार्गेनिंग भी हो जाती है। 350 का बोल रहे थे, 350-450 इस तरह बोल रहे थे, इसमें बार्गेनिंग हो जाती है। चप्पलें 100-100 रुपये की थी। यहाँ देखिए बच्चों के भी कपड़े बहुत अच्छे थे, तो बच्चों के कपड़े भी आप ले सकते हो। अच्छा, किसी को फर्नीचर वगैरह लेना हो, जैसे ये कोई हॉस्टल में रह रहा है इस तरह से, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी रेट में मिल जाता है, तो यहाँ से आप फर्नीचर भी ले सकते हो, बार्गेनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि कहीं और आप लेने जाते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, तो यहाँ से तकत वगैरह आप ले सकते हो 1200-1300 की रेंज में, ये लोग 1500 तक की रेंज में आपको अच्छे तकत दे देंगे, तो इस तरह से ले सकते हो। आगे बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी बस थोड़ा सा साइड से थोड़ा बहुत मार्केट लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ में और भी आपके साथ शेयर करूँ। और लास्ट टाइम आपने बुद्ध विचार पर बहुत सारा प्यार दिया था, तो इस बार भी पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मैं इस तरह का
और वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। ये देखिए बच्चों के पेंसिल्स हैं, ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, तो ये भी ले सकते हैं आप। इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए भी यहाँ पे आइटम मिल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, ये सारी करके हम यहाँ से निकले। हम यहाँ से जस्ट मेट्रो करेंगे, तो आपको लोकेशन वगैरह मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, लोकेशन आपको पता ही है। बाकी कुछ भी क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।